आदि दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल टेस्ट ऑफ वीपी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा मसाला बनाना सिखाऊंगी जो चार सब्जियों में काम आएगा और उन्हें टेस्टी बनाएगा। तो सब्जियां हैं छोले, चना, राजमा, मटर, इन चारों में काम आएगा। तो बताते हैं आपको इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये हमने लिया हुआ है 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच खटाई किसी भी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 स्टिक हमने दालचीनी की ले ली हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची और 10-11 हरी इलायची, 8-9 सूखी लाल मिर्च, 8-9 लौंग ले ली हैं और 1 जायफल। इतना सामान हमने लिया हुआ है। तो हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है। गैस जला के हमने 2 मिनट कढ़ाई गरम कर ली है। अब इसको सिम कर लेंगे हम गैस को। अब एक एक करके ये मसाला भून लेंगे हम। सबसे पहले साबुत धनिया, इसको 1 मिनट भून लेंगे। ये पीली सरसों डाल रहे हैं। इस तरह से हमें सभी मसाले 1-1 मिनट के लिए भून लेना है। देखिए हमने सारे मसाले 1-1 करके अलग अलग सिम गैस पे भून लिए हैं। और ये जो जायफल था इसके 2 टुकड़े कुटने से कर लिए हैं कि जिससे ये आसानी से पिस जाए। अगर नहीं पिसे तो इसे और आप छोटा कर सकते हैं कुटने से। ये गैस हमने इधर बंद कर दी है। कढ़ाई हमारी गर्म है तो ये खटाई और हल्दी रह गई थी वो हम इसमें डाल देते हैं। इसे भी 1 मिनट चला दें। ये 1 मिनट हो चुका है। खटाई और हल्दी को भी हमने 1 मिनट भून लिया है। इसको छोड़ देंगे हम और ये सारे मसाले जो हैं हमने भुने थे इसी में डाल देते हैं कढ़ाई में। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको पीसेंगे। मसाले ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल, इन्हें हमने जार में डाल लिया है। इसको पीसेंगे लेकिन थोड़ा दरदरा रखेंगे। ये देखिए हमने मसाला पीस लिया है और थोड़ा दरदरा रखा है इस तरह से। तो इसको दरदरा ही रखना है, बहुत महीन नहीं करना है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक मसाला 4 सब्जियों में काम आएगा, छोले, चना, राजमा, मटर। आप छोले मसाला, राजमा मसाला बाजार से लाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मिलावटी भी मसाले मिलते हैं। तो आप एक बार, हमने ये घर में बनाया हुआ है तो आप एक बार अपनी सब्जी में ये डाल के देखें और हमें बताएं कि आपकी सब्जी कैसी बनी। और इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के रखें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।